राहुल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लखनऊ प्रॉपर्टी हब। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल लखनऊ प्रॉपर्टी हब पे। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ एक नया नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आप लखनऊ में अपने सपनों का मकान देख रहे हैं, एक अच्छी लोकेशन में मकान सर्च कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस चैनल के माध्यम से आपको एक अच्छा मकान अवेलेबल हम आपको कराते हैं। तो आज की जो प्रॉपर्टी हम आपके लिए लेके आए हैं, जो मकान लेके आए हैं, बहुत ही सुंदर लोकेशन आपकी है। और एक बार बात कर लेते हैं यहाँ के जो प्रोजेक्ट हमारा है, तो हमारे पास चार मकान यहाँ पे हैं, 1104 प्लॉट एरिया इसका है और कवर्ड एरिया इसका आपका जो आता है 1250 स्क्वायर फीट आता है, 2 BHK का मकान है। और लोकेशन इसकी बात की जाए तो ये हमारा कल्याणपुर आता है और कल्याणपुर में ये आदिल नगर लगता है। और अगर टेढ़ी पुलिया से इस प्रोजेक्ट को आप देख रहे हैं तो ये मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आता है। और टेढ़ी पुलिया से अगर आप रिंग रोड पर आते हैं तो आपका धर्मकांटा पड़ता है, राम धर्मकांटे से ये मात्र इस प्रोजेक्ट की दूरी, रिंग रोड से मात्र इस प्रोजेक्ट की दूरी जो है मात्र 500 मीटर के डिस्टेंस पे आती है। और जो हमारे पीछे आप ये मकान देख रहे हैं, ये हमारे 1104 प्लॉट एरिया पे 1250 कवर्ड पश्चिम फेस के मकान हैं और बहुत ही सुंदर लोकेशन है। तो हम आपको विजिट कराते हैं इन मकानों की, तो बिना देर करते हुए हम आपको मकान की विजिट कराते हैं। और इससे पहले ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में बारीकी से आ सकें। जो डिटेल्स हम आपको मकान की बताते हैं, लोकेशन की बताते हैं, वो सारी चीज़ें आप बेहतरीन ढंग से समझ सकें, उसके लिए पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए विजिट कराते हैं हम इस मकान की। तो आप जो गेट देख रहे हैं हमारा, ये 8.5 से 9 फीट की हाइट में आपको गेट मिल जा रहा है, जो कि आपको ट्रांसपेरेंट आपको गेट मिल रहा है जो कि आयरन का दिया जा रहा है। से अंदर एंट्री करते हैं तो ये हमारा पार्किंग स्पेस आ जाता है। पार्किंग स्पेस में भी आपको बड़ा सा स्पेस मिल जा रहा है। तो ये आप जो स्पेस देख रहे हैं इसमें बड़ी से बड़ी आपकी कार आराम से पार्क हो जाएगी। तो ये हमारा पोर्च का एरिया है। पोर्च एरिया में भी आप जस्ट बाएं हाथ पे देखेंगे तो एक जो सीढ़ियाँ आपको बगल से सीढ़ियाँ दी जा रही हैं, पोर्च प्लस आपका स्टेयर से पूरा स्पेस अलग से दिया जा रहा है। यहीं से आप ऊपर जा सकते हैं, इस पर आपका मार्बल पत्थर लगा हुआ और यहीं से आपको स्टेयर्स मिल जाएंगे जो आपको ऊपर जाने के लिए एक्सेस रेलिंग मिल जाएगी। बाहर की तरफ आपको एक लॉन मिल जा रहा है जिसमें आपको इंडिविजुअल समरसेबल पंप लगा के दिया जा रहा है हमारे मकान में। तो आपको लॉन एरिया में समरसेबल मिल जाएगा जो कि इंडिविजुअल है। और यहाँ पे बात की जाए तो ये एरिया हमारा नगर निगम का एरिया आता है और यहाँ पे आपको सीवर भी मिल जाता है, लाइट भी मिल जाती है और इलेक्ट्रिक निगम वाला जल भी मिल जाता है। तो नगर निगम का एरिया ये हमारा पोर्च एरिया के बाद जस्ट देखेंगे तो पूरा ये आपका सेपरेट आता है पोर्च एरिया से। ये मेन एंट्री गेट आपका आता है मकान के अंदर जाने के लिए। आप देखेंगे तो ये हमारा 8 फीट का गेट दिया जा रहा है और इसकी जो चौड़ान भी है अच्छी खासी, इसकी चौड़ान है, हाइट भी 8 फीट की है। बाहर से आपको एक अच्छी खासी विंडो मिल जा रही है जो कि डबल चौखट की विंडो मिलेगी, अंदर से जाली वाली, बाहर से आपको कांच वाली मिल जा रही। तो हम एंट्री करते हैं मकान के अंदर, लेके चलते हैं आपको। तो ये हमारा मेन डोर हो जाता है मकान में एंट्री अंदर करने के लिए। ये हमारा जो एरिया आएगा वो ड्राइंग हॉल का स्पेस आता है, हॉल का स्पेस आता है। तो बड़ा सा आपको हॉल मिल जा रहा है। ऊपर के स्पेस में देखेंगे तो हमारा ये पूरा फॉल सीलिंग मकान, पूरे मकान में हमको फॉल सीलिंग करके दी जा रही। तो ये जो एरिया आपका ड्राइंग हॉल का स्पेस आता है। उसके बाद जैसे हम मकान में अंदर एंट्री करेंगे, ड्राइंग हॉल स्पेस के बाद ये जो स्पेस आएगा वो हमारा डाइनिंग एरिया का स्पेस आ जाता है। और ख़ास बात इस मकान में ये है कि जिस मकान का किचन दिया गया और काफ़ी बड़ा किचन आपको मिल रहा है और जो कि किचन आपको मॉड्यूलर दिया जा रहा है, बड़ा सा किचन, मॉड्यूलर किचन। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा सा किचन आपको मिल रहा है और मॉड्यूलर किचन है, सारी चीज़ें हैं बड़ा सा किचन के साथ। तो इसमें फॉल सीलिंग अभी तो नहीं लगी है, इन फ्यूचर लग सकती है। और ड्राइंग हॉल के बाद ये डाइनिंग एरिया हमारा, डाइनिंग एरिया का स्पेस भी आप देख सकते हैं, ऊपर भी फॉल सीलिंग करके दी जा रही। अभी इस मकान में पेंट नहीं हुआ है, कलर नहीं हुआ है, इस वजह से थोड़ा उस तरीके का लग रहा होगा, लेकिन जो पूरा फिनिश हो जाएगा तो ये मकान बहुत ही सुंदर आपको लगेगा। और इस तरफ आप देखेंगे तो आपको इंडियन टॉयलेट मिल जा रहा है, ये भी काफ़ी बड़ी साइज़ का आपको इंडियन टॉयलेट मिल रहा है। और ये आपका इंडियन टॉयलेट के जस्ट बगल में अगर देखेंगे तो ये हमारा OTS आ जाता है। यहाँ पे आपकी वॉश बेसिन लग जाएगी, ऊपर आपका जाल लग जा रहा है। तो ये एक आपको बड़ा सा OTS मिल जा रहा है। तो इस मकान में जैसा कि आपने देखा कि 2 बेडरूम है, 2 बाथरूम है और आपको किचन जो है कि मॉड्यूलर बहुत बड़ा किचन मिल रहा है। ड्राइंग हॉल भी आपको बड़ा सा मिल जा रहा है। पोर्च एरिया आपका बाहर से पूरा सेपरेट है और जो आपके जीने हैं बाहर से ही दिए जा रहे हैं। पश्चिम फेस का मकान है, सारी चीज़ें अवेलेबल है। पूरे मकान में आपको फॉल सीलिंग दी जा रही है और जो कि स्विचेज आप खुद लगा के दिए जा रहे हैं, आपके ब्रांडेड स्विचेज हैं जैसे एंकर कंपनी की ब्रांडेड कंपनी आते हैं, वायर्स भी आपको ब्रांडेड दिए जा रहे हैं। उसके बाद हम आपको लेके चलते हैं, बेडरूम का डिज़ाइन दिखाते हैं, कितने बड़े बेडरूम हमारे हैं।
तो ये हमारा अलग से एक पैसेज दिया गया है दोनों बेडरूम के लिए। अगर आप इस यहाँ से भी अपना सेपरेट करना चाहते हो तो पूरा उनका बाहर का पोर्शन पूरा सेपरेट हो जाएगा, यहाँ से आपके अंदर की तरफ दोनों बेडरूम आ जाते हैं। तो पहला बेडरूम जस्ट हमारे दाहिने हाथ पे आता है जो कि बड़ा सा बेडरूम आपको देखने को मिल रहा होगा, और इसका भी साइज स्टैंडर्ड साइज है। और इस बेडरूम का साइज लगभग आपको देखने को जो मिल रहा है, ये जो बेडरूम का साइज है आपको 10x14 के करीब मिल रहा है, बड़ा सा साइज मिल जा रहा है। ऊपर आपकी जो फॉल सीलिंग आपको करके दी जा रही है, और इस बेडरूम में भी आपको एक अलग से विंडो मिल जा रही है प्रॉपर वेंटिलेशन, ताकि आपके मकान में क्या प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहे उसके लिए अलग से आपको विंडो दी जा रही है। तो ये आप देख सकते हैं बड़ी सी विंडो आपको मिल जा रही है, इसमें आपका ग्लास लग जाएगा तो एक अच्छा सुंदर आपको डिज़ाइन दे। और जो टाइल्स इसमें लगा के दी जा रही है कजारिया का पूरा टाइल्स आपको मिल रहा है जो कि अच्छी खासी ब्रांड है आपकी, तो टाइल्स कजारिया का, फॉल सीलिंग, सारी कंसीट लाइट्स अभी लगना बाकी हैं। तो एक बार आप विजिट करें, इस मकान को देखें, आपको बारीकी से समझ में आएगा। उसके बाद एक यहाँ पे भी अलग से पैसेज आपको मिल रहा है इस बेडरूम के लिए, एक अलग से डोर या दरवाज़ा लगा के दिया जा रहा है इस पैसेज में। ये बेडरूम आपका पहला बेडरूम है, दूसरा बेडरूम ये, यहाँ पर आपको एक अलग से दरवाज़ा मिल जा रहा है इस बेडरूम के लिए जो कि बहुत ही अच्छी डिज़ाइन में पहली बार मुझे देखने को मिल रहा है। और ये हमारा दूसरा बेडरूम आता है जो कि ये बड़ा सा बेडरूम है अटैच बाथरूम के साथ में आपको देखने को मिल रहा होगा। ये दूसरा बेडरूम है, इसका भी साइज़ बड़ा सा साइज़ आपको देखने को मिल रहा है। छत की बात की जाए तो पूरी फॉल सीलिंग आपको करके दी जा रही है इस बेडरूम में भी। जस्ट दाहिने हाथ पे आपको जिसमें बाथरूम रहेगा वो आपको वेस्टर्न रहेगा, इंग्लिश टॉयलेट रहेगा, और OTS भी आपको इसी में अटैच OTS मिल जा रहा है। तो सारी चीज़ें हैं, एक बार दिखा दीजिएगा। तो जैसे कि आपको मैंने ये मकान दिखाया, सारी चीज़ें विजिट करवाई हैं, दो बेडरूम है, दो बाथरूम है, पोर्च एरिया जो कि सेपरेट है, और आपका किचन बड़ा सा कपो किचन दिया जा रहा है। अभी चल के छत पर भी हम आपको दिखाते थे, उससे पहले बात कर लेते हैं इस मकान की जो रेट रखा गया है। इस लोकेशन में और इस बजट में आपको मकान बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो हमारा जो ये मकान है, प्लॉट एरिया 1104 स्क्वायर फीट कवर्ड, इसका 1250 स्क्वायर फीट का 2BHK का मकान है, और मकान का फेस जो है हमारा पश्चिम फेस है, वेस्ट फेस का मकान आपको मिल रहा है। और इसकी जो कीमत रखी है वो 58 लाख रुपए रखी गई है, 58 लाख रुपए रखी गई है। और ये रेट आपका निगोसिएशन वाला रेट है, जब आप विजिट करेंगे अगर आपको मकान पसंद आता है तो इस रेट पे भी आपको थोड़ा बहुत निगोशिएट किया जाएगा। और चल के छत पे दिखाते हैं यहाँ का जो चारों तरफ का माहौल कैसा है, किस तरह से हमारा मकान दिखता है। आइए चलते छत की तरफ। जैसा कि अभी हम छत पर आ चुके हैं तो हमारे मकान देख सकते हैं, तो ये मकान है, उसके बाद ये मकान आता है, और दो इस तरफ मकान आ जाते हैं। चारों मकान हमारे पश्चिम फेस के मकान हैं, और आसपास की आप लोकेशन चारों तरफ देख सकते हैं, पूरी बसावट है, क्योंकि कल्याणपुर का एरिया खुद में एक पॉश एरिया है, सारी चीज़ें हैं, सारे स्कूल, सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे, चाहे स्कूल हो चाहे हॉस्पिटल हो। सराउंड आपको 500 मीटर से लेके 1 किलोमीटर के रेडियस में सारी सुविधाएँ अवेलेबल हैं। बगल में पूरी मार्केट आपको मिल जा रही है, जस्ट आपको वॉकिंग डिस्टेंस पर सारी चीज़ें मिल जा रही हैं। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो नंबर हमारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से हमें आप कॉल करके सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक कभी विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।